कोरोना संक्रमण संपूर्ण विश्व में तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा है। राजस्थान में दोगुनी गति से कोरोना संक्रमितों का बढ़ना प्रदेश सरकार व राजस्थान की जनता के लिए चिंता का सबब है। लेकिन प्रदेश में जारी कोरोना से लड़ाई में बीजेपी के कुछ नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सांगानेर विधायक अशोक लाहुटी द्वारा सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा बांटी जा रही राहत सामग्रियों को लेकर जाति धर्म आधारित टिप्पणियों के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में दिन ब दिन दोगुनी गति से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या ने शासन प्रशासन के साथ साथ आम आदमी को भी सकते में ला दिया है। रविवार को भी प्रदेश में 104 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिससे प्रदेश में बीती रात तक कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 804 हो गई। वहीं सोमवार सुबह 9 बजे तक 11 नए कोरोना संक्रमितों के आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 815 पहुंच गया। वहीं 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। राजधानी जयपुर में रविवार को 40 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इस तरह कोरोना का एपिसेंटर बने जयपुर में अब तक 341 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिला कलेक्टरों एवं पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट पर चर्चा की। वहीं शाम को जयपुर के विधायकों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी के कुछ विधायकों द्वारा जाति धर्म पर आधारित टिप्पणियों और खाने के पैकेट में भेदभाव को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकना एक बड़ी जंग है, जिसे सभी लोगों को मिलकर लड़ना है। पूरी मानवता को बचाने के लिए इस संघर्ष में सभी वर्गों और समुदायों को आपसी भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। कोरोना वायरस जाति या धर्म नहीं देखता, इसलिए हमें भी इस लड़ाई में जाति धर्म या राजनीतिक विचारधारा की बात या इनके आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। रविवार शाम जयपुर के विधायकों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं और सांगानेर विधायक अशोक लाहुटी द्वारा सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा बांटी जा रही राहत सामग्री को लेकर जाति धर्म आधारित टिप्पणियों के बारे में उठाए गए सवालों पर सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं, क्योंकि प्रदेश की संपूर्ण जनता इस गंभीर बीमारी के परिणामों को लेकर चिंतित है और इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि इस संकट के दौर में ग्राम सेवकों, नर्सों, अध्यापकों, आशा सहयोगनियों, पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक सभी सेवा भाव से काम कर रहे हैं और सभी की भूमिका सराहनीय है। ऐसे में मरीजों की जांच और इलाज तथा खाने के पैकेट बांटने जैसे कार्यों में भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम गहलोत ने विभिन्न जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए रूथलेस कंटेनमेंट पर फोकस रखा जाए और जो इलाके हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं वहां कर्फ्यू और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जाए। सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स को अधिक से अधिक संख्या में क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार करने के निर्देश दिए। अस्पताल में लोगों को क्वारंटाइन करने से बचे, क्योंकि वहां पॉजिटिव पाए गए मरीजों के इलाज के लिए जगह रखना जरूरी है। इसके साथ ही क्वारंटाइन सेंटर पर रखे जा रहे लोगों की सही देखभाल करने और उन्हें समय पर खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों की देखरेख करना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कलेक्टर से कहा कि जिलों में अलग अलग टीमें बनाकर उन्हें टास्क सौंप दिया जाए। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण दिखाई देने पर व्यक्ति का टेस्ट करवाया जाए। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि रैपिड टेस्ट किट जल्दी आने वाली है, इसके बाद प्रदेश में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जा सकेगा। सीएम गहलोत ने संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में विशेष एहतियात बरतने और वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा में 25 कोरोना पॉजिटिव लोगों के ठीक होने के बाद अभी भी एहतियात के तौर पर 6,000 लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं। वहीं प्रदेश के चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान में अभी तक कोविड-19 महामारी कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति में नहीं पहुंची है। जयपुर के रामगंज में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। राज्य सरकार वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट और पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए अन्य लोगों को क्वारंटाइन करने पर जोर दे रही है। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि लॉकडाउन के अगले चरण की रूपरेखा को विशेषज्ञों की समिति अंतिम रूप दे रही है। वीसी के दौरान एक सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने बताया कि रामगंज में
स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जिससे जल्द संक्रमित लोगों की सही संख्या पता चल जाएगी। घनी आबादी के कारण इस क्षेत्र में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार के विभिन्न विभाग उसी गंभीरता के साथ संक्रमण को रोकने के प्रयास में जुटे हैं। एक मीडिया प्रतिनिधि के सवाल में सीएम गहलोत ने बताया कि लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद होने के चलते एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देने के संकल्प की पूरी पालना की जा रही है। कुछ अपवाद को छोड़कर राजस्थान में कहीं से भी प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों की भूखे रहने की शिकायत नहीं मिली है। प्रदेश में जहां से भी सूचना मिलती है वहां तुरंत राशन, सूखी भोजन सामग्री अथवा पका हुआ भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जयपुर में रोजाना भोजन के 1,00,000 पैकेट बांटे जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य शहरों और प्रदेशों के दूसरे हिस्सों में भोजन व्यवस्था की जा रही है। बता दें, राजस्थान में अब तक 25 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, जिसमें अकेले जयपुर में सर्वाधिक 341, टोंक में 59, बांसवाड़ा में 53, जोधपुर में 51, कोटा में 40, बीकानेर में 34, झुंझुनू में 31, जैसलमेर में 29, भीलवाड़ा में 28, भरतपुर में 19, झालावाड़ और चूरू में 14, दौसा में 8, अलवर में 7, अजमेर और डूंगरपुर में 5-5, नागौर में 6, उदयपुर में 4, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, सीकर और पाली में 2-2, धौलपुर और बाड़मेर में अब तक 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। वहीं प्रदेश में ईरान से रेस्क्यू कर लाए गए भारतीयों में से 52 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में इटली के 2, इन सभी को मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 815 तो कोरोना से मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 815 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 121 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें से 63 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।